अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के पिंटरेस्ट के क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी प्रोफाइल्स क्यों सस्पेंड होती हैं और वो कौन से प्रैक्टिसेस हैं कि जिनको आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर उन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रोफाइल बैन हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है या फिर सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको नॉर्मली नहीं पता होता कि वो कौन से ऐसे स्पैम फिल्टर्स हैं या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं कि जिनको आप तो बॉदर नहीं करते होंगे, आपको नहीं पता होगा, या फिर आप जिनकी प्रोफाइल के ऊपर वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होगा। लेकिन प्रोफाइल के ऊपर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह पिंटरेस्ट का भी ऐसा ही एक स्पैम फिल्टर है, बहुत ही एडवांस लेवल का एक स्पैम फिल्टर है कि जो कि हमेशा एक्टिव रहता है। और जब जब वो ऐसी कोई एक्टिविटी वो जज करता है, ऐसी कोई एक्टिविटी जब वो मॉनिटर करता है तो वो फौरन से एक्टिव हो जाता है और उसके अंदर या तो आपको टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर आपके अकाउंट को सस्पेंड या डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो मैं वन बाय वन उन तमाम चीजों को डिस्कस करूंगा। वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि पिंटरेस्ट का कोर्स मैं करवा रहा हूं और पिछले कई हफ्तों से जो है मैं वीडियोस भी इसी के ऊपर लेकर आ रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों ने यही कंप्लेंट्स की हैं, बहुत सारे लोगों ने इन बातों के ऊपर यही क्वेरीज की हैं कि हमारे प्रोफाइल्स डीएक्टिवेट हो चुकी हैं, सस्पेंड हो चुकी हैं, तो क्या वजूहत है। आज उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूं। सबसे पहले तो आपको पिंटरेस्ट के उन तमाम स्पैम फिल्टर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, बजाय इसके कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें शेयर करूं, आपको समझाने की खातिर ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन पिंटरेस्ट के वो तमाम के तमाम गाइडलाइंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं शेयर करूंगा, आपने खुद भी पढ़ना है, मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि आपने अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट के कमेंट में हमेशा कोई ऐसा कमेंट नहीं करना कमेंट बॉक्स के अंदर कि जो आप अपनी किसी सर्विस को, अपने किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हो। याद रखिएगा, जब भी आप कुछ ऐसा करेंगे तो बेशक जिसके प्रोफाइल के ऊपर ये कमेंट्स आप कर रहे हैं, इस प्रोफाइल का ऑनर जब आपको बेशक रिस्पॉन्ड ना करे, लेकिन पिंटरेस्ट के जो स्पैम फिल्टर्स हैं वो ऐसे मौकों पे एक्टिव हो जाता है और वो आपको हमेशा पेनल्टीज देता है। इसके अंदर आप बैन भी हो सकते हैं, आपको सस्पेंड भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपने ऐसे किसी एक्टिविटी से बाज रहना है। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक या एक नेचुरल सा कोई ऐसा कमेंट करें कि जो कि पता चले, क्योंकि कोई सर्विस आप बेच रहे हो तो उनके अंदर एक सेंस ऐसी बन जाती है जो कि एआई बेस्ड किसी भी सॉफ्टवेयर को जो है वो उस हवाले से अंदाजा हो जाता है। ठीक हो गया, और याद रखिएगा ऐसे में जो ब्लैक हैट स्पैमर्स हैं वो इस चीज का हमेशा फायदा उठा रहे होते हैं, लेकिन तमाम के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब इतने मेच्योर हो चुके हैं, एआई बेस्ड इन्होंने अपने फिल्टर्स जो है वो एडवांस कर दिए हैं और वो ऐसे एक्टिविटीज को हमेशा वो पॉइंट आउट करते हैं और उनके पेनल्टीज जो है वो फौरन से हैंड ओवर कर देते हैं प्रोफाइल्स के ऑनर्स को। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा इसी पिंटरेस्ट के जो गाइडलाइंस है इसी के अंदर जो है वो एक पोर्शन है स्पैम एंड क्वालिटी, इसको आपने गौर से पढ़ना है। स्पैम एंड क्वालिटी के ऊपर याद रखिएगा एक बहुत लाउड मैसेज है पिंटरेस्ट की तरफ से कि पिंटरेस्ट प्रोफाइल के ऊपर हमेशा क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने देखा होगा जितने फॉलोअर्स ज्यादा होंगे, जितने सब्सक्राइबर्स ज्यादा होंगे उतनी आपकी प्रोफाइल के ऊपर एंगेजमेंट मिलती है, लेकिन पिंटरेस्ट के ऊपर पिंटरेस्ट का प्लेटफॉर्म ये कहता है कि यहां पर हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए। आपके पास कोई भी फॉलोअर नहीं है, अगर आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही एडवांस किस्म का है, बहुत ही इंगेजिंग है, बहुत ही अपीलिंग है, तो वो आपको हमेशा वायरल करने में मदद देगा। 400 मिलियन का जो ट्रैफिक है वो हमेशा इन्हीं क्वालिटी कंटेंट के ऊपर बेस करती है। ठीक हो गया, ये बहुत जरूरी है और आपने खुद भी इस लिंक के अंदर जाके इसको एक बार पढ़ना जरूरी है। हम लोग बदकिस्मती से ये चीजें नहीं पढ़ते जिसकी वजह से हम अंधाधुंध जॉब में प्रोफाइल्स के ऊपर वर्किंग करते हैं, लेकिन चूंकि वो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाते जिसकी वजह से हम बैन कर दिए जाते हैं हमें। ठीक है, तो पहले हमने ये पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना कंटेंट जो है वो प्लान करना है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग क्या करते हैं, फॉलो टू फॉलो करते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर। एक लिमिट होती है, अगर उससे आप एक्सीड कर जाते हैं तो या तो आपको फॉर टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया जाता है उस एक्टिविटी से, या फिर आपको आपके वो फ्रिक्वेंट एक्टिविटीज की वजह से आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो ये आपने इससे भी बाज रहना है। इससे होता क्या है कि अगर आप 20 से ऊपर, मैं नॉर्मली मैं कहता हूं कि अगर आपने फॉलो टू फॉलो वाला जो प्रैक्टिस है वो करना ही है तो वो आप डेली 20 कर लिया करें, 24 आवर्स के अंदर 20 फॉलो कर लें
और नेक्स्ट 24 आवर्स में जो है वो नेक्स्ट 20 लोगों को फॉलो कर लें, और अगर आपने अनफॉलो करना है तो वो फिर नेक्स्ट किसी 24 आवर्स के उस टाइम स्पैम के अंदर आप उनको अनफॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, जो ग्रुप बोर्ड्स होते हैं, ग्रुप बोर्ड्स को हमेशा वो फॉलो करते हैं। अब वो इस तरह फॉलो करते हैं बिल्कुल कंजेकेटिव एक प्रैक्टिस के अंदर, एक ही टाइम में वो 30 से 40 50 60 जो ग्रुप बोर्ड्स हमको फॉलो करने लग जाते हैं। ये जो प्रैक्टिस है आपकी, इसकी वजह से भी आपको हमेशा ब्लॉक कर सकते हैं, तो आपने इससे भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। बेशक करें, थोड़ा सा कम करें, 10 करें, 15 करें, और ये 24 आवर्स के दरमियान में करें। एक और सबसे बड़ी चीज है जो कि आपको सस्पेंड कर सकती है, वो ये है कि आपने किसी भी पिन को एक बार जब किसी बोर्ड के अंदर सेव किया है तो आपने दोबारा किसी और बोर्ड में या फिर इसी बोर्ड के अंदर आपने उसको सेव नहीं करना, सेम इमेज को। ये आपने बहुत ही लाउड लिखा हुआ है इस लिंक के अंदर कि आप एक ही पिन को एक ही बार यूज कर सकते हैं, कितने टाइम के अंदर, 3 माह के अंदर, ठीक है। अब 3 माह के बाद भी आप कब कर क्यों कर सकते हैं, इसके भी उन्होंने रीजन दिया है। वो ये है कि अगर आप तीन महीने के बाद भी अगर पिछले 3 माह पहले जो पिन आपने अपलोड की थी किसी बोर्ड के अंदर, वो 3 माह बाद आप वो भी इसलिए कर सकते हैं कि हो सकता है कि तब आपके पास फॉलोअर्स ना हो, अब आपके पास फॉलोअर्स हो चुके होंगे, तो उन फॉलोअर्स को दोबारा से जो है वो उस चीज को इन्फॉर्म करने के लिए या उस पिन को शो ऑफ करवाने के लिए आप दोबारा उसी पिन को किसी और बोर्ड में या उसी बोर्ड के अंदर सेव कर सकते हैं। एक से ज्यादा बार आपने एक 3 माह के टाइम स्पैन के अंदर आपने सेव नहीं करना, ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है इनका। ये मैं पहले बहुत किया करता था लेकिन मेरी प्रोफाइल बची हुई है, आई डोंट नो ये बाद में शायद ये रूल आ चुका था। इसके बाद इसका एक फिर रिवर्स एक प्रैक्टिस है, वो क्या है कि ये तो मैंने आपको बताया पिन्स का, लेकिन हम क्या करते हैं, बेशक हम लोग इमेजेस चेंज कर लेंगे लेकिन हम लोग जो डेस्टिनेशन जो यूआरएल है, जो लिंक हम लोग अटैच करते हैं पिन्स के अंदर, वो भी हम लोग एक से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम उसको बार बार करेंगे तो ये फिर पिंटरेस्ट का जो स्पैम फिल्टर है वो उसको पॉइंट आउट करेगा कि यार ये लिंक बार बार जो है वो इसको टारगेट किया जा रहा है, तो इसको कर दो बंद, बैन कर दो या फिर सस्पेंड कर दो। तो एक फैक्टर ये वाला, इससे भी हमने बाज रहना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम क्या करते हैं कि हम दूसरों की पिंस को या फिर इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड जो इमेजेस हैं हम उनको लाकर अपनी पिंस बना लेते हैं, अपनी आइडिया पिंस बनाते हैं। तो हमेशा से याद रखना, जब भी आप कोई भी इमेज आप उठाते हैं तो ये काउंट करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। अब इसमें किसी भी ऑनर के राइट्स होते हैं या फिर उसने पहले से अपलोड किया हुआ होता है, तो ये भी स्पैम में चला जाता है। आपने क्या करना है, आपने जब भी अपने पिंस के लिए, आइडिया पिंस के लिए कोई इमेज आपने उठानी है तो या तो pixabay.com से उठा लें या पेक्सल से उठा लें या फिर ऐसे ही कैनवा से उठा लें, किसी ऐसे नो कॉपीराइट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से आप उठाएं और अपनी पिंस को, आइडिया पिंस को डिजाइन कर लें, ताकि बाद में अगर आपको लगता है कि यार ये मुझे स्पैम कर सकता है या मुझे कॉपीराइट क्लेम कर सकता है या फिर कोई ऑनर यहां पर आकर पिंटरेस्ट के ऊपर रिपोर्ट कर सकता है, तो ऐसे में आप बच सके। नॉर्मली होता है कि आप लोग जब किसी का कंटेंट, किसी की पिंस यूज करते हैं तो वहां पर कोई रिपोर्ट कर सकता है, जब रिपोर्ट करते हैं तो तब आपको कोई छूट नहीं होती, आपको हर सूरत में पेनल्टी देनी पड़ती है और यहां पर आपकी प्रोफाइल बैन भी हो सकती है, आपको सस्पेंड भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो इससे आपने हमेशा अवॉइड करना है। तो ये थी आज के पिंटरेस्ट प्रोफाइल सस्पेंशन के कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कि जिनको आपने हमेशा अवॉइड करना है अगर आप लोग अपने पिंटरेस्ट प्रोफाइल को एज अ ब्लॉगर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ डिजिटल मार्केटियर, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर या कुछ भी डोमेन आप रखते हैं, अगर उसमें आप एक सक्सेसफुल प्रोग्रेस चाहते हैं तो आपने इन तमाम चीजों से अवॉइड करना है। लास्ट में ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब स्टैट्स देखता हूं यूट्यूब चैनल के अंदर तो मुझे अफसोस होता है कि यार तकरीबन 80% से ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो आई होप कि आप लोग सब्सक्राइब करके चले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।